सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि पाइथन के बारे में मैं आपको लूप्स के बारे में आजकल जानकारी दे रहा हूं और अलग अलग तरह की कंडीशन लगा करके व्हाइल लूप और फॉर लूप के बारे में बता रहा हूं। तो आज की भी ये वीडियो स्पाइडर के ऊपर है। स्पाइडर जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है पाइथन के लिए, बहुत अच्छी क्रॉस प्लेटफॉर्म है पाइथन के लिए, उसके ऊपर हम लोग आज लूप देखेंगे। ठीक है, अब लूप में किस तरीके का ये लूप है उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x नाम का एक वेरिएबल है जिसमें कुछ स्टोर है, वो वैल्यू है 10। ठीक है, और y में जीरो स्टोर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y में जीरो स्टोर है। ठीक है, अब x और y दोनों ही में वैल्यूज स्टोर हो चुकी है, यहाँ पे लगाया while लूप। ठीक है, और यहाँ पे कहेंगे x is greater than y, x is greater than y बोल दिया और यहाँ पे लगा दिया कॉलन। ठीक है, कोलन लगाने के बाद एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पर x और y को प्रिंट कराएंगे। तो ये देखिए x और y को प्रिंट करा रहा हूं। ठीक है, तो ये प्रिंट करा दिया x और y को। ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर x इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए x इज इक्वल टू x माइनस वन है। ठीक है, x माइनस वन है और फिर यहां पे y इज इक्वल टू y प्लस वन है। तो यहां पर जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके का आएगा, जरा आप इमेजिन करिए। देखिए इसमें आउटपुट क्या बनने की संभावना है, देखिए x में ऑलरेडी 10 दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पे कह रहा है x इज ग्रेटर देन y, y से कभी भी ग्रेटर रहेगा x। ठीक है, और फिर यहां पर x और y को प्रिंट करवाया जा रहा है, फिर बाद में x इज इक्वल टू x माइनस वन, यानी कि x माइनस वन का मतलब हो जाएगा 9, 10 तो रहेगा ही, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, और y में क्या आएगा, y में आएगा पहले 0 था तो ये 1 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 4 5 5 तक आएगा, यानी y में जो वैल्यूज हैं वो 5 तक आनी चाहिए इस प्रोग्राम के मुताबिक, तो इसको चलाना भी पड़ेगा। तो चलिए शिफ्ट और एंटर दबाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर वही आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है, देख लीजिए यहां पर 10 है, फिर 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं आपको और क्लियरली दिखाई देगा। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो आउटपुट है ना, इस कोड के हिसाब से आउटपुट देखिए आप अपना। ठीक है, ये आपका कोड है, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, आई होप कि ये लूप जो है, ये कंडीशन जो है क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से ये कंडीशन लगाई गई है। ठीक है ना, ओके।